स्टूडेंट्स, वी आर इन चैप्टर नंबर 5, यूक्लिड ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड 9th। तो बच्चों, जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका सम नंबर 6, जो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा उस सम को समझा रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से समझना। अब सम नंबर 6 में ये बताया गया है कि ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है ए और डी, उसमें ए सी और बी डी का मेजरमेंट सेम है। हमें यह बताया गया है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो हमें प्रूव करना है कि अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, प्रूव दैट। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी दोनों बराबर है। अगर ए सी और बी डी बराबर का मेज़रमेंट के हैं तो फिर ए बी और सी डी भी बराबर मेज़रमेंट के ही होने चाहिए। ये मुझे साबित करना है, ये मुझे प्रूव करना है। आइए देखते हैं बच्चों, किस तरह से इसको कितनी आसानी से साबित कर सकते हैं। वी कैन प्रूव इट वेरी इजीली, वेरी सिंपल वे, दिस इज़ वेरी इजी सम। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले तो आपको कुछ भी साबित करना हो तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप लिख लीजिए। गिवन इज ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, उसको नंबर दे दीजिए 1। फिर नाउ पॉइंट्स बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। अब देखो, सिंस ये जो पॉइंट बी है वो ए और सी के कहीं बीच में है, इन दोनों के बीच में है, राइट? तो अगर ये ए पॉइंट बी जो है वो ए और सी के बीच में है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी से बना हुआ है, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देयरफॉर आई कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू, ए सी ये इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी से ही बना हुआ है, राइट? क्योंकि ये दोनों ए बी प्लस बी सी ए सी का ही भाग है तो उनसे तो बना है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, राइट? दैट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन सी इट, ये तो आप दिख ही रहे हो। तो उसको पॉइंट दे दीजिएगा नंबर 2। फिर आगे इसी तरह इन द सेम वे जो पॉइंट सी है वो बी और डी के बीच में है। यू कैन सी पॉइंट सी इज बिटवीन बी एंड डी। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी डी है वो बी सी प्लस सी डी से बना हुआ है। तो मैंने लिखा देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, जैसे मैंने यहाँ पे किया था इस पार्ट का, इस तरह यहाँ से भी वही प्रूव कर रहा हूँ कि बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, और उसको मैंने दे दिया पॉइंट नंबर 3। अब मेन पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ वो कि फ्रॉम पॉइंट 1, 2 एंड 3, तो मैं ये जो पॉइंट नंबर मेरा 1 था, 2 था और 3 से, मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी, मतलब कौन सा ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी। सबसे पहले इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी, विल बी इक्वल टू सी डी प्लस बी सी, राइट? दिस टू एंड दिस टू इज इक्वल टू दिस टू एंड दिस टू, बहुत सिंपल है। वो दोनों तो एक ही हो सकते हैं, वो तो मैंने 1, 2 और 3 में साबित कर दिया है। तो ए बी प्लस बी सी विल बी ऑलवेज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर ऑलवेज इक्वल। ये एग्जाम्स हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने समझाया था, उसी एग्जाम के आधार पर मैंने ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा बी को कैंसिल कर दूँगा क्योंकि मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो उठ जाएगा, और एक्स्ट्रा सी को कैंसिल करूँगा, ये भी उठ सकता है। तो बचा क्या, ए बी प्लस सी डी या डी सी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज प्रूव, जो मुझे प्रूव करना था ए बी इज इक्वल टू सी। तो बचता क्या है, ए बी और सी डी बचता है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इट इज़ प्रूव। लॉजिकली और थ्योरम के हिसाब से भी मैंने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी इज इक्वल टू सी डी जो साबित करना था वो मैंने कर दिया। बच्चों, फिर से इस वीडियो को गौर से देखना, कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ज़रूर भूलिएगा मत, सॉरी, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।